ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। क्राउन हिस 6 कुशल चोरों की टीम द्वारा प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड एक डेयरिंग ऑपरेशन था। टीम को लीड जैक ने किया था, जो कि एक मास्टरमाइंड था जिसके पास डिटेल्स के लिए गहरी नजर थी और इतिहास में उस सबसे चैलेंजिंग चोरी करने की रेपुटेशन थी। दोस्तों, डकैती का टारगेट एक हाईली सुरक्षित म्यूजियम था जहां एक कीमती क्राउन रखा था। माना जाता है कि ये एक शक्तिशाली प्राचीन राजा के लिए बनाया गया था। क्राउन को एक भाग्य के वर्थ कहा गया था और स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम से इसे संरक्षित किया गया था, जिससे ये किसी भी सामान्य चोर के लिए लगभग इम्पॉसिबल टारगेट बन गया। लेकिन जैक और उनकी टीम साधारण चोर नहीं थे। जी हाँ, उन्होंने म्यूजियम के सुरक्षा उपायों और गार्डों की शेड्यूल के बारे में विस्तार से जानने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में महीनों बिताए। दोस्तों, उन्होंने म्यूजियम के ब्लूप्रिंट भी हासिल किए, जिससे कि वो चोरी की ऑर्डिनरी योजना बना सके। डकैती की रात आखिरकार टीम ने अपने प्लान को अंजाम दिया। जैक और उसके दो साथियों ने म्यूजियम तक पहुंच हासिल करने के लिए लॉक पिकिंग और हैकिंग में अपने स्किल का इस्तेमाल किया, जबकि टीम के दूसरे 3 सदस्यों ने क्राउन से दूर गार्ड्स का ध्यान अलग करने के लिए एक डिस्ट्रैक्शन पैदा किया। जी हाँ, एक बार अंदर जाने के बाद जैक और उनकी टीम सुरक्षा कैमरास और गार्ड से बचते हुए तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने ताज के लिए अपना रास्ता बनाया था। उन्होंने अलार्म सिस्टम को डिसेबल करने के लिए अपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल किया था और क्राउन को उसके डिस्प्ले केस से सावधानी से हटा दिया। हाथ में क्राउन के साथ टीम वहां से भाग गई, म्यूजियम को उसी स्थिति में छोड़ दिया क्योंकि अलार्म बज गया था और गार्ड चोरों को खोजने के लिए दौड़ पड़े। दोस्तों, टीम एक प्री अरेंज जगह पर मिलती है जहां उन्होंने क्राउन को कई छोटे टुकड़ों में हिस्सा किया और शहर से बाहर जाने के लिए अलग अलग रास्ते बनाए। दोस्तों, हालांकि पुलिस अपनी एरी पर गर्म थी और टीम जानती थी कि अगर वो अपनी मेहनत से जीते गए पुरस्कार को रखना चाहते हैं तो उन्हें तेजी से काम करना ही पड़ेगा। जैक ने एक नोटोरियस ब्लैक मार्केट डीलर को ताज बेचने का फैसला कर लिया, जो चोरी हुए खजाने के लिए बड़ी रकम देने को तैयार था। एक्सचेंज शहर के बाहरी इलाके में एक खाली गोदाम में होना था। जैसे ही जैक और डीलर सौदे को अंतिम रूप दे रहे थे, पुलिस अचानक टूट पड़ी। उसके बाद एक राइवल गैंग आया जो अपने लिए क्राउन चाहता था। जैक और उनकी टीम को अपने स्किल्स और हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक लंबी और ब्रूचुअल लड़ाई के बाद जैक और उनकी टीम पुलिस और राइवल गैंग को पीछे छोड़कर भागने में सफल रही। वो रात में गायब हो गए। उनकी पहचान और क्राउन का स्थान अननोन था। साल बीत गए और क्राउन डकैती की कहानी लीजेंड बन गई। कुछ ने कहा कि क्राउन हमेशा के लिए खो गया, जबकि अन्य ने दावा किया कि जैक और उनकी टीम ने इसे बेचने के लिए सही समय की प्रतीक्षा में इसे छिपा दिया था। लेकिन किसी को भी ये असल रूप से मालूम नहीं चला कि क्राउन या जैक और उनकी टीम का क्या हुआ। दोस्तों, क्राउन डकैती अपराध के इतिहास में सबसे महान सीक्रेट्स में से एक बनी हुई है। चोरों के स्किल्स और डिटर्मिनेशन की ये एक मिस्ट्री है, जिन्होंने असंभव को संभव करने का साहस दिखाया और विजयी हुए। दोस्तों, एक ऐसी कहानी मेकर्स धूमपुर में भी दिखा सकते हैं। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।